Yep. Oh, feel good? Very nice. One more? बाबू बिगड़े हो एक मिनट परफेक्ट संजू इकड़े थोड़स क्रॉस हो गया है इकड़े हाँ थोड़ा चिड़ला हो हाँ स्माइल बाबू मूड मत बोल हाँ यार पाय खाली छोड़ मतलब पाय खाली छोड़ हाँ आता ही का व्यवस्थित हाथ का मूड मरे वाले थोड़ा चिल्लाने कर खाने बेटा आप परत या फेस इकड़े क्रॉस कर गिटार कड़े हाँ तो इकड़े हाथ फिर इकड़े वाइगर आए मचेरा होगा हाँ इकड़े फिर गिटार नोबा फिर देता से बस तुझे खाली फेस हाँ फिर वो इधर थोड़ा अजून बस हाँ ओके कड़े Only still, still. No video, video sound. Look, look, look. Look, बेटा. हाँ, ready? कट करो. हाँ, look. Yeah, nice. Yeah. Yeah. Look, बड़ा इधर कैमरा हमारे करे. बस कट दादा बैठ के
चालू दिल से बस
ये कहना चाहूँगी कि दिवाली काफ़ी स्पेशल रही है मेरे लिए और हर साल रहती है, क्योंकि ये बहुत अच्छा त्यौहार है और हमारे पूरी दुनिया में ये त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि लाइक दीप जलाए जाते हैं और कंदिल जलाए जाते हैं, लोग नए कपड़े खरीदते हैं, नई स्वीट्स खरीदते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं दिवाली पे जो हम सेलिब्रेशन के तौर पे मनाते हैं। 5 दिन का त्यौहार है ये और ये काफ़ी शुभ माना जाता है, ऑस्पिशियस माना जाता है। जैसे हम कहते हैं कि ऑस्पिशियस लाइक हम गोल्ड खरीदें या नए कपड़े खरीदें या नई गाड़ी खरीदें या हम नई प्रॉपर्टी खरीदें, इन सब के मामलों में दिवाली एक बहुत अच्छा त्यौहार है और ये दीपों का त्यौहार है एंड काफ़ी इसमें फटाके जलाए जाते हैं, स्वीट्स खाई जाती है और अपने रिश्तेदारों के घर पे आए जाते हैं एंड नए नए लोगों से मिलते हैं हम, वैसे ही हम दिवाली मनाते हैं। कोई मेमोरी याद है दिवाली में? देखिए, दिवाली की मेरी ये मेमोरी है कि मुझे स्वीट्स बहुत पसंद हैं और मैं हमेशा बचपन में बहुत सारी स्वीट्स खाया करती थी और मैं बहुत रोलू पोलू थी और अभी भी मुझे स्वीट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जैसे हम कहते हैं करंजे जो होते हैं, लड्डू होते हैं बेसन के है, या मिठाइयाँ होती है, ये मुझे बहुत ही पसंद है और मैं बहुत ही खाती हूँ। अच्छा, आपने आउटफिट के बारे में बताया कि किस तरह का कॉस्ट्यूम डाला है आपने, क्या खास है? सी, माई लुक इज़ इंस्पायर्ड बाई दीपिका पादुकोण, यू कैन सी। जैसे अभी तनिष्क की एड आई है दिव्यम करके, वैसे ही मेरा लुक इंस्पायर्ड एंड यू कैन सी मी वेयरिंग टेम्पल ज्वेलरी एंड अ डिज़ाइनर साड़ी। और दिवाली की क्या क्या शॉपिंग की आपने उसके बारे में? दिवाली की शॉपिंग तो आप अभी जो देख सकते हैं, ये मैंने नई दिवाली के लिए शॉपिंग की है सीजन से और अच्छी एथनिक गोल्ड ज्वेलरी पहनी है मैंने आज, जो टेम्पल ज्वेलरी है, और काफ़ी सारी मतलब मैंने शॉपिंग की है, सलवार कमीज़ ये वो कुर्तीज़ एंड ऑल एंड साड़ीज़ एंड ऑल, और काफ़ी सिर्फ गिफ्ट्स लिए हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, काफ़ी लोगों के लिए, और सबको मैं शुभकामनाएं देने चाहूँगी दिवाली के लिए कि आप सब सेफ दिवाली बनाइए, हैप्पी दिवाली बनाइए और काफ़ी अच्छी तरीके से बनाइए। जो पटाखे फोड़ के पैसे खर्चे करते हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, एनवायरनमेंट को गंदा करते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि पटाखे आप जो जला रहे हो ये एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से, इकोसिस्टम को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। इट्स नॉट गुड, क्योंकि इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये काफ़ी एनवायरनमेंट को हद तक मतलब बहुत ख़राब कर देता है एंड पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है। तो प्लीज़ प्लीज़ गाइज, आई एडवाइज़ यू कि आप फटाके ना जलाएं, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम को ही नहीं, हमारे जो पशु पक्षी जो है, हमारे अराउंड सराउंडिंग्स में जो भी बूढ़े हैं, बच्चे हैं, ये पोल्यूशन बढ़ता है और उसकी वजह से अच्छा नहीं होता है। एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको फायर क्रैकर्स जलाने चाहिए। तो प्लीज़ हैव अ सेफ एंड हैप्पी लाइफ। मेरा नाम मॉरिन मिर्ज़ा है और मेरा बहुत ही जल्दी वीडियो रिलीज़ होने वाला है, मॉरिन लव्स यू, और मैं बहुत लकी हूँ कि दिवाली के टाइम पर रिलीज़ हो रहा है। एंड मैंने सेकंड सॉन्ग किया है, वो भी बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाला है, स्वीट एंड सॉर मूवी नाम है उस मूवी का। एंड अच्छा, दिवाली आपके लिए कितना खास है, किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं दिवाली आप? सच बोल दो, दिवाली में सबसे ज़्यादा पसंद है और दिवाली में सबसे ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ एंड सच बोल भी छो। अच्छा, किस तरह से दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, जिस तरह से फटाके फोड़ते हैं, क्या आप भी फटाके फोड़ते हैं? जी बिल्कुल, मैं फटाके फोड़ती हूँ और अपने रिलेटिव के घर जाती हूँ, और ये टाइम में जो मैं डाइटिंग को भूल जाती हूँ, बहुत सारी मिठाई खाती हूँ और दूसरों को खिलाती हूँ। अच्छा, दिवाली के लिए क्या क्या शॉपिंग किया आपने? मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, बहुत सारे फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट खरीदे हैं, खुद के लिए बहुत सारे कपड़े खरीदे हैं, फ्रेंड्स के लिए खरीदे हैं, मिठाई खरीदी है। और ये जो सूट पहन के आए हो आज, किस दिवाली सेलिब्रिटी के चक्कर में पहन के आए हो या पहले से पसंद करते हो इस तरह के? नहीं, ये स्पेशली दिवाली के लिए। अगर दीपावली मनाने के लिए आपको किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को चुनना हो तो किसे चुनोगी? खान में से, कपूर में से, कपूर कुमार में से? सलमान खान, वन एंड ओनली। उस पे आगे क्यों सिलवेट रखती है सब? आप किसी भी लड़की से पूछ लो, सबका फेवरेट सलमान खान ही होगा, आई थिंक सो। बट आमिर खान भी अच्छे, सब में अलग अलग बात है ना, आमिर खान अलग हैं और शाहरुख खान स्टाइलिश हैं और सलमान खान यू नो इज अ सेक्सीनेस। अगर तुम्हें एक चॉइस दी जाए कि बॉलीवुड में एंट्री क्यों, किस वजह से क्यों आना चाहती हो बॉलीवुड में, क्या खास बात है, किसे फॉलो करती ज़्यादा, कौन आइडिया लें? बिकॉज आई लव डांसिंग, दैट्स वाई आई एम, मैं बहुत ज़्यादा डांस को पसंद करती हूँ। मैं ऑलरेडी यू नो डन टू मच शो ऑन अब्रॉड एंड इंडिया,
सो आई लव डांसिंग, दैट्स व्हाई मेरे को लगता है कि मुझे करना चाहिए. और अभी मुझे बहुत ज़्यादा खुद में, पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मुझे करना चाहिए. एंड दिवाली मनाने के लिए हिंदुस्तान की आवाम को क्या टिप्स देना चाहोगे, कितनी सेफ्टी से मनाएं, पटाखे फोड़ें कितनी सेफ्टी से फोड़ें, क्योंकि तुम भी काफ़ी. ऑब्वियसली दिवाली जब मनाने हैं तो बहुत अच्छी तरह, मतलब बहुत सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि बहुत बुरा लगता है जब न्यूज़ पे दिखते हैं ना कि दिवाली के टाइम पे किसी को कुछ हार्म हो गया. तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम दिवाली ऐसे मनाएं कि हम खुद भी खुश रहें और दूसरे भी खुश रहें. वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किसी की सेफ्टी का ख्याल रखिए. एक बार दिवाली विश कर दीजिए लोगों को. हाय, मेरी तरफ से यानी मॉर्निंग मिर्ज़ा की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल.